एक तरफ जहां चीन डोकलाम को लेकर भारत के साथ लगातार बयानबाजी कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन की वायुसेना ने दक्षिण चीन सागर में लॉन्ग रेंज ड्रिल को अंजाम दिया है। दक्षिणी चीन सागर में ड्रिल करके चीन ने एक बार फिर से इस क्षेत्र में उथल पुथल बढ़ा दी है। इस ड्रिल के बाद चीन ने अपना रुख साफ किया है। उसने इस बात को दोहराया है कि किसी भी तरह का हस्तक्षेप या खलल उसे इस ड्रिल को करने से नहीं रोक सकता है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वो एक और ड्रिल को अंजाम देंगे। चीन के इस लॉन्ग रेंज ड्रिल ने जापान और ताइवान के माथे पर शिकन ला दी है। चीन की वायुसेना ने गुरुवार को लॉन्ग रेंज ड्रिल का अभ्यास किया। खुद चीन के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की थी। हालांकि उसने ये साफ नहीं किया है कि ये ड्रिल कहां पर की गई है, लेकिन इस ड्रिल पर जापान ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हमारी सीमा के बेहद करीब लड़ाकू विमानों की उड़ान चिंता का विषय है। लेकिन जापान की इस चिंता को दरकिनार करते हुए चीन ने कहा, ये एक साधारण ड्रिल थी जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किया गया है। ऐसा सेना की क्षमता और युद्ध के लिए तैयारियों का जायजा लेने के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि चीन लगातार विवादित दक्षिण और पूर्वी चीन सागर पर अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है, जिसके चलते ताइवान की सरकार की मुश्किल बढ़ गई है। चीन लगातार ताइवान को इस बात की चेतावनी देता रहा है कि अगर उसने खुद को आधिकारिक तौर पर आजाद घोषित करने की बात कही तो उसे सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। टीम इंडिलिंक्स।